हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। अभी रिसेंटली हम लोग स्पोर्ट्स का सीरीज कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। जिन्होंने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके जरूर से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। और जो मेरे सिस्टर्स है सब्सक्राइबर्स, उसे मैं जरूर कहना चाहूंगा जो आप लोग जरूर देखें। माना जाता है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा वीक हो, बुरा नहीं मानना, बट कोशिश करना इस सबको कवर कर ले। अभी और दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट बाकी है, नेशनल गेम्स बाकी है, खेलो इंडिया यूथ गेम बाकी है, ओलंपिक बाकी है, तो ये होगा। उससे बीच में मैं स्पोर्ट्स ही रिलेटेड एक और जीके कराने जा रहा हूँ, जो कि जरूर आपको अच्छा लगेगा और हर एग्जाम में आता है। आपने टाइटल में तो देख ही लिया होगा, फिर मैं बता दूं, फेमस प्लेयर्स पूरे दुनिया के अलग अलग स्पोर्ट्स के जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी, खास खास ऑटोबायोग्राफी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? ये पेले का ऑटोबायोग्राफी है। पेले जो ब्राजील के बहुत ही बड़े फुटबॉल के स्ट्राइकर थे, ओके, और इन्हें हम लोग ब्लैक पर्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द रेस ऑफ माई लाइफ, ये आप सभी को पता होगा, मिल्खा सिंह, हमारे इंडिया के बहुत ही महान एथलीट्स मिल्खा सिंह, इनका ऑटोबायोग्राफी है। और इन्हें हम फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं, मेजर जनरल आयूब खान, पाकिस्तान जब मिल्खा सिंह गए थे तो उनको ये उपाधि दिया था। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो भाग मिल्खा भाग मूवी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, जिसका मैं लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना, ओके। क्या सच में समझे? अरे नहीं भाई, तैयारी करो, बाद में देखना, ओके। अतः उसके बाद आता है द ग्रेटेस्ट जो ऑटोबायोग्राफी है, ये है मोहम्मद अली का। मोहम्मद अली जो दुनिया के बहुत बड़े बॉक्सर थे और उनको प्यार से द ग्रेटेस्ट ही बुलाया जाता है। उसके बाद आता है नंबर द गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल हमारे इंडिया के ही पीटी उषा, जिसे हम पहली एक्सप्रेस भी कहते हैं, उनका ही ये ऑटोबायोग्राफी है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ओके, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, सनी डेज सुनील गावस्कर का ऑटोबायोग्राफी है। सुनील गावस्कर ही पहले शख्स थे जिन्होंने टेस्ट मैच में 10,000 रन पूरा किया था पहली बार। अच्छा, उसके बाद स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? ये हमारे हरियाणा हरिकेन बोला जाता है, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन बोला जाता है, कपिल देव का ऑटोबायोग्राफी है। कपिल देव ही वही पहले शख्स थे 1983 में जब पहली बार इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है क्रिकेट में, तब यही कप्तान थे। और किसे हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। और कहां हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स में। बाद में फिर डिटेल करेंगे, कभी वर्ल्ड कप का तो डिटेल बताएंगे। अच्छा, उसके बाद आता व्हाइट एंगल, ये अनिल कुंबले, ये भी एक क्रिकेटर थे, इंडिया के बहुत बड़े लेग स्पिनर, उन्हीं का था। सबसे ज्यादा इंडिया की तरफ से टेस्ट मैच में विकेट का रिकॉर्ड इनका ही है। अच्छा, उसके बाद आता गोल, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ये मेजर ध्यानचंद, जिसे हम हॉकी के जादूगर कहते हैं, हॉकी विजर्ड, उनका ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद आता माइंड मास्टर जो है विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस मास्टर थे, ग्रैंड मास्टर चेस में, उनका ही है। और जब से पहली बार ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड नाम दिया गया है, वो मिला था, इनको ही मिला था 91-92 में, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, और एक बहुत ही महान लेग स्पिनर थे, पिछले साल ही उनका देहांत हुआ, उनका नाम है शेन वॉन, तो उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम था नो स्पिन, ओके। अच्छा, उसके बाद है इम्परफेक्ट, ये संजय मांजरेकर एक बैट्समैन थे इंडिया के, ज्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं है, पर अभी कॉमेंट्री बहुत करते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा, उनका ही लिखा ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा, उसके बाद आता ऑलराउंड व्यू, ये इमरान खान, जो कि आप देखते होंगे अभी पाकिस्तान में खूब क्राइसिस चल रहा है, इमरान खान का पार्टी का नाम है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वहां पर और दो पार्टी, एक पीपीपी पीपल्स पाकिस्तान पार्टी, और एक है पीएमएलएन, यानी कि अभी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्हीं का पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ओके। अच्छा, सुल्तान अमीमोयर, ये किसका लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी? ये वसीम अकरम, जो कि बहुत बढ़िया बॉलर थे, उनका लिखा हुआ है। कटिंग एज, ये जावेद मियादाद का लिखा हुआ है, ओके, ऑटोबायोग्राफी है। जावेद मियादाद की स्टोरी बता दूं, चेतन शर्मा जो पिछले हमारे ये थे बीसीसीआई के सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन बने थे, स्टिंग ऑपरेशन करके जो बाद हो गए, उनको ही शारजा में एक बॉल में आखिरी बॉल में 6 रन मार के जिताया था, ओके। अच्छा, उसके बाद आता है कॉन्ट्रोवर्सियली योर्स, ये शोएब अख्तर का है, आप सबको पता है शोएब अख्तर को क्या बोला जाता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। ये सब जो छोटा छोटा साइड में नॉलेज है ना, बाय प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकते हैं। उसके बाद आता है फास्टर देन लाइटनिंग, मतलब वो जो बिजली गिरता है उससे भी तेज, ये किसका हो सकता है? उजैन बोल्ट, जमाइका का जो स्प्रिंटर, ओलंपिक में उन्होंने बहुत गोल्ड मेडल जीता है, उन्हीं का है। अच्छा, अ शॉट एट हिस्ट्री, ये है अभिनव बिंद्रा का लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी। अभिनव बिंद्रा कौन?
2008 में जब बीजिंग ओलंपिक होता है तो पहले शख्स इंडिया के बनते जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले ब्रॉन्ज सिल्वर जीता था बहुतों ने, पर पहले शख्स यही बने थे जिन्होंने इंडिविजुअली गोल्ड जीता था। पहले तो हॉकी में बहुत सारा, ओलंपिक का भी एक बढ़िया टॉपिक हमको अभी रेडी करना है, वो बाद में आएगा। ओके अच्छा, अभी और भी कुछ है स्पोर्ट्स पर्सन, उनके ऑटोबायोग्राफी के बारे में भी हम लोग बात। अच्छा अच्छा, अब अगला जो नाम आता है ये तो क्रिकेट के भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर। इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माय वे, और इनके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे आपको मिल जाएगा। क्या ही बोलूं इनके बारे में, ये तो मेरा फेवरेट इंसान है। उसके बाद आता है प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, इन्होंने ओलंपिक में भी मेडल जीता है। जब मैं ओलंपिक पढ़ाऊंगा तो डिटेल बता दूंगा। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये हमारे प्यारे हमारे बंगाल के ही सौरभ गांगुली का ऑटोबायोग्राफी है, जिन्हें हम प्यार से दादा कहते हैं, आप लोग भी मुझे दादा कहते हैं। अच्छा 281 एंड बियॉन्ड, ये वीवीएस लक्ष्मण का ऑटोबायोग्राफी है। 281 क्यों नाम पड़ा पता है, 2001 में ये कोलकाता में ही इडन गार्डन्स कोलकाता का, वहां एक टेस्ट मैच था, ऑस्ट्रेलिया बहुत सारा मैच 15 या 16 अभी याद नहीं मुझे, बहुत सारा मैच जीत के आ रही थी, अनबीटन थी, और यहां पर आके ये हमारे दादा कैप्टन थे सौरभ गांगुली, और इंडिया पहले फॉलो ऑन खाता है, टेस्ट मैच में एक वर्ड होता है फॉलो ऑन, तो फिर से बैटिंग का न्योता दिया जाता है इंडियन टीम को, और उसी में ये वीवीएस लक्ष्मण का शानदार पारी आता है 281 का, और साथ में राहुल द्रविड़ का भी 180 प्लस का एक पारी खेलते हैं। उसके बाद इंडिया जीत भी हासिल करता है, हरभजन सिंह वहां पर बॉलिंग भी करते हैं बहुत बढ़िया। ओके अच्छा, उसके बाद द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये तो ये भी मेरा फेवरेट है, युवराज सिंह। ये ऐसा बंदा है जो 2007 का वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप, 7 का T20 वर्ल्ड कप और 11 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, दोनों में ही मैन ऑफ द टूर्नामेंट यही बने थे, और 2011 में ये कैंसर का साथ खेल रहे थे, बाद में ये ऑटोबायोग्राफी बनाते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अच्छा और एक अच्छा प्लेयर थे जो चेन्नई सुपर किंग से बहुत दिन खेले, सुरेश रायना, अच्छा फील्डर भी थे, उनका जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम है बिलीव। ओके उसके बाद आता है सिक्स मशीन, आप बताएंगे कौन है, हाँ क्रिस गेल, जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में बहुत दिन खेले और वेस्ट इंडीज के बहुत ही ताबड़तोड़ खिलाड़ी है क्रिस गेल, इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है सिक्स मशीन। उसके बाद आता है अनगार्डेड, ये हमारी एक महिला कैप्टन थी मिथाली राज, जिनका ऊपर एक मूवी भी बना था, तापसी पन्नू काम की थी, प्यारी मिठू ऐसा कुछ नाम था, तो उनका ही लिखा हुई ऑटोबायोग्राफी है अनगार्डेड मिथाली राज। ओके आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, ये स्टीव वॉ का लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी, स्टीव वॉ कौन थे, ऑस्ट्रेलिया के महान कैप्टन थे, वो जो 2001 में जो मैंने कहा अभी वीवीएस लक्ष्मण 21 किया था, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान यही थे, और कलकत्ता में इसका एक फाउंडेशन भी है, कलकत्ता फाउंडेशन, ये बहुत सारे गरीब का इलाज के लिए पैसा खर्चा करते हैं, बहुत चैरिटी करते हैं। अच्छा उसके बाद आता लाइन एंड स्ट्रेंथ, ये ग्लेन मगराथ, ये भी ऑस्ट्रेलिया के महान बॉलर थे, सचिन के साथ हमेशा राइवलरी होती रहता था, ये उनका ही लिखा ऑटोबायोग्राफी है। और एक बात बता दूं, जो एमआरएफ फाउंडेशन है चेन्नई में अभी, उसका डायरेक्टर यही है ग्लेन मगराथ। ओके अच्छा उसके बाद आता है एस अगेंस्ट ऑड, ये सानिया मिर्जा, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट थी जब मैं जवान था, एक्चुअली अभी भी जवान हूं, बट मैं जब यंग टाइम था उस टाइम ये सानिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर सबको फोटो काट काट के रखता था। ओके अच्छा उसके बाद आता है ओपन, जो है ये एक टेनिस खिलाड़ी है यूएस के, उनका नाम है आंद्रेया गासे, उनका ही ऑटोबायोग्राफी है। ओपन से आप समझ में आ जाता होगा ये टेनिस का मामला है, 4 ओपन होता है ना, क्या क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, जिसमें से ग्रास कोर्ट में होता है विंबलडन, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में होता है, और बाकी जो हार्ड कोर्ट में होता है यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, कभी इसमें भी डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद है सर्व टू विन, जो अभी मौजूदा सबसे बढ़िया खिलाड़ी है टेनिस के, नोवाक जोकोविक, उनका ही ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है उसके बाद माई ड्रीम टाइम, ये एशली बार्टे, ये भी टेनिस खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया की, उनका ही लिखा ऑटोबायोग्राफी है। क्रॉस कोर्ट, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था पेपर में, 5-6 दिन पहले ही की बात है, जयदीप मुखर्जी, ये इंडिया के टेनिस लेजेंड्स हैं, उन्हीं का ही लिखा हुआ है ये ऑटोबायोग्राफी, ये करंट में भी काम आ जाएगा, क्रॉस कोर्ट जयदीप मुखर्जी टेनिस लेजेंड। उसके बाद अनब्रेकेबल, ये मैरी कॉम का लिखा हुआ है, मैरी कॉम आपको मालूम है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने बहुत बार गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद आता है बॉर्न अगेन ऑन अ माउंटेन, कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, अरुणिमा सिन्हा का नाम मैंने लिया था, जो एम्पुटी थी इंडिया के पहली फीमेल जो एवरेस्ट चढ़ी थी एम्पुटी होने के बावजूद, अरुणिमा सिन्हा, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखें, उनका ही लिखा हुआ ये ऑटोबायोग्राफी, क्या नाम, बॉर्न अगेन ऑन अ माउंटेन।
और एक लास्ट बता दूं, नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड, ये भी बहुत महान हस्ती का लिखा, माइकल फेल्प्स वही शख्स है जो ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अभी तक इनका ही रिकॉर्ड है, ठीक है, सबसे ज्यादा मेडल बोलिए गोल्ड मेडल बोलिए इनका ही रिकॉर्ड है, और एक ओलंपिक में भी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इनका ही है। ओके, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे उनके कितना मेडल है और एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा कितना रिकॉर्ड है। आशा उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत ही मन से बनाया था मैंने और इसमें मेरा इनपुट बहुत ज्यादा है, साइड से भी बहुत नॉलेज है जो कि आपको काम आएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे, और हर वीडियो को उसी दिन देख लें जब बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा, आपको बहुत अफसोस होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।